उसे पैसे ना देती तो आखिर करती क्या? इस कमीने पर ना चाहते हुए भी यकीन करना मेरी मजबूरी है। ये अल्लाह मुझे इस मुश्किल से निकाल दे, किस मुसीबत में फंस गई। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी मासी की गलती लड़िया साफ बन जाएंगे। रमशा, जब से बैठी हूँ बस यही देख रही हूँ कि तुम फोन में ही देखी जा रही हो। आखिर ऐसा क्या है फोन में? देख रही हूँ गुनाह करना कितना आसान हो गया है। मतलब हमारी गलतियों और बेलगाम ख्वाहिशों ने हमें गुनाह के रास्ते पर चलना कितना आसान कर दिया। हमें पता ही नहीं चल रहा। मैं समझी नहीं तुम क्या कहना चाह रही हो। तुम्हें पता है नहीं, पहले इंसानों को गुनाह करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती थी। पैसे खर्च करने पड़ते थे, लोगों से पैसे छीनने पड़ते थे। और अब ये छोटा सा बेजान टुकड़ा लोगों के गुनाह करने के लिए बहुत आसान रास्ता बन गया। अब तक लोगों को अपने पैसे खर्च करने पड़ते हैं ना, लोगों से पैसे छीनने पड़ते हैं। ना गुनाह करने के लिए गलत कदम उठाना पड़ता है। बल्कि ये बेजान टुकड़े पे क्लिक करके कोई भी गुनाह किया जा सकता। लोगों ने एंटरटेनमेंट के नाम पे हमारी जिंदगियों में, हमारी आने वाली नस्लों में जहर घोला है ना, इससे बचना बहुत मुश्किल। काश के हमारे वालदैन हम पर पाबंदी लगा देते। और अब्बू जी ने मुझे कितना रोका रोका, लेकिन मुझे एहसास ही नहीं हुआ। आज एहसास हो रहा है, काश अम्मी अब्बू ने मेरी बेजा ख्वाहिशों पे पाबंदी लगा दी होती तो आज मैं भी इस फितने से बच जाती। यानी मैंने फैसला कर लिया, जब अल्लाह ने मुझे औलाद दी ना
तो मैं अपनी औलाद पर पाबंदी लगाऊंगी। मैं अपनी औलाद को ये टेक्नोलॉजी के नाम पे जो फितना हमारे हाथ में दे दिया गया है ना, इस फितने से दूर रखूंगी, बिल्कुल दूर। आसिम, कैसे याद किया? गोभी का है, तुझसे एक बात करनी है। दुकान पर हूँ, काम कर रहा हूँ। गोभी मेरे पास आ सकता है? बताया तो है, दुकान पर हूँ, काम कर रहा हूँ, अब आप इधर ही। यार बैठ के बात करते हैं, एक बहुत जरूरी बात है जो तुम्हें बतानी। अरे बात क्या है? यार बात रमशा भाभी के मुतालिक। अच्छा चल ठीक है, मैं आता हूँ। अब्बा मुझे जरा एक जरूरी काम है, मैं आता हूँ। सर दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, जानते भी हो कि आज लड़के छुट्टी पे हैं, काम का लोड है, अकेला नहीं कर सकता मैं, काम करो चलो। नालायक औलाद है, इससे तो बेहतर था यार काम बीच में छोड़।